हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे द स्केच ऑफ नन पार्ट टू के बारे में। भाई जिन जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा भाई जाओ जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भाई इसके बारे में ना मैंने पहले आपको बता रखा है, भाई हम ना एक नन को ड्रॉ कर रहे हैं जो आपको शांत रहने के लिए बोल रही है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखें, और भाई अगर पहली बार वीडियो पर आए हो तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द बटन। और भाई बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइस, तो गाइस जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं, भाई यार वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन भाई आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ड्राइंग स्किल 101% इम्प्रूव हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हमको कहाँ कहाँ पर ध्यान देना चाहिए। गाइस ब्लेंडिंग के ऊपर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गाइस जब भी हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं तो ब्लेंडिंग के 3 या 4 टूल्स होते हैं। गाइस सबसे पहला जो मैं जो यूज़ करता हूँ गाइस ब्लेंडर यूज़ करता हूँ। गाइस पेपर स्टम जिसको बोलते हैं, जिसको हम ब्लेंडर बोलते हैं गाइस, पहला वो। फिर उसके बाद गाइस टिश्यू पेपर, जी हाँ गाइस टिश्यू पेपर और ईयरबड्स, इनका जब यूज़ करता हूँ तो गाइस ये ना बहुत ना मैं इनको फेस में यूज़ करता हूँ ओनली। फिर इसके बाद आता है ब्रश, जो कि मैं चारकोल पाउडर के साथ करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो भाई आपको ज़रूर पता होगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले। आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने से पहले गाइस ब्लेंडिंग को इम्प्रूव कर लो, भाई साहब आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो गाइस ये था मतलब बेसिक। और गाइस अगर आप मतलब थोड़ा सीख रहे हो या अगर आपका काम इम्प्रूव हो रहा है, तो भाई किसी भी इमेज को बनाने से पहले आप उसको कम से कम थोड़ी देर तक, एटलीस्ट 5 या 10 मिनट तक तो यार देखो, प्रपोर्शन देख लो। प्रपोर्शन में क्या है कि जैसे कि फेस है आपका, जो फेस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो बिल्कुल शीट के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैर बाहर चला जाए या हाथ बाहर चला जाए गाइस, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शनल पर अच्छे से ध्यान दे लो। इन छोटी छोटी को टिप्स को आप यूज़ करके अपनी ड्राइंग स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और हाँ गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं गाइस, अब जो मैं कर रहा हूँ गाइस वही वाली जो कि मैंने आपको बताया चारकोल पाउडर के साथ जो मैं कर रहा हूँ अपनी ब्लेंडिंग गाइस, ये ना मतलब ना मैं इसे सबसे बेस्ट टिप ट्रिक मानता हूँ अपनी ड्राइंग स्किल की गाइस। ये ना मतलब अगर आपको चारकोल वाली वीडियो देखनी है, मैं आने वाली कुछ वीडियोस में बना दूंगा कि आप चारकोल पाउडर कैसे बना सकते हो गाइस, बहुत सिंपल है। जैसे कि हम लोग ग्रेड यूज़ करते हैं, 10B ग्रेड यूज़ करते हैं, 12B ग्रेड यूज़ करते हैं, तो गाइस उसमें क्या है ना, ग्रेड का जो ग्रेफाइट होता है उसको निकाल लो, उसको मतलब एक मतलब पीस लो या उसको मैश करके एक पाउडर टाइप में बना सकते हैं, और जिनका यूज़ आप अपनी ड्राइंग स्किल में यूज़ कर सकते हो गाइस। किसी भी मैं कोई भाई एक्सपेंसिव मटेरियल का यूज़ नहीं करता, लेकिन हाँ भाई एक्सपेंसिव मटेरियल का यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद करना चाहिए जब आपका काम सेल होने लग जाए। और गाइस आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको कमीशन वर्क के बारे में भी बताऊंगा कि भाई आप कैसे कमीशन वर्क ले सकते हो, कैसे आपके पास कमीशन वर्क आएंगे और कैसे आपकी इनकम जनरेट हो सकती है ड्राइंग को लेकर। जी हाँ गाइस कमीशन वर्क यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो यार आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं आर्ट करता हूँ या मैं कुछ भी काम करता हूँ, बस आप अपना काम करते रहो, लोगों को अपने आप पता चल जाएगा और वो आपसे अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो गाइज ये थी कॉमन टिप। और गाइज अब हम बात कर रहे हैं ड्राइंग की। तो भाई देखो यार ड्राइंग में क्या है ना, आप किसी भी इमेज को जब देखोगे तो आपके मन में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ इसकी ईयर नोज, ठीक है, इसके जो मतलब बैकग्राउंड है, जो इसका पोस्चर है, फिंगर है, जो भी है, आप उसको देख लोगे कि हाँ यार यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, वो फेस एक्सप्रेशन वो ठीक है। तो बस यही है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लो, आप की ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और गाइज हाँ हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख पा रहे हैं जो पेंसिल की नोक है वो बहुत ज़्यादा बाहर है इस टाइम। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पेंसिल की नोक इसलिए हम बहुत ज़्यादा बाहर करते हैं क्योंकि हमें पिन पॉइंट, जी हाँ गाइज पिन पॉइंट पे ड्राइंग करनी पड़ती है, बिल्कुल पतली नोक पर हमको ड्राइंग करना पड़ता है। इसलिए गाइज आपने बहुत सारे आप लोगों ने आर्टिस्टों को देखा होगा कि वो पेंसिल की नोक को ना काफ़ी लंबी रखते हैं। तो वो लंबी क्यों रखते हैं गाइज, वो लंबी इसीलिए ही रखते हैं ताकि पिन पॉइंट से काम करें और मतलब उनका हाथ शीट पे टच ना हो, खाली एक पेंसिल की नोक पिन पॉइंट टच हो और वो अपना काम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से दिखा पाए। और हाँ गाइज
जो भी आप ड्राइंग बना रहे हो ना यार, देखो पता है क्या होता है, एक बहुत सिंपल सी चीज है, आपने ग्रेफाइट ऑप्ट कर दिया, आपने पेंसिल ऑप्ट कर दिया, आपने ब्लेंडिंग ऑप्ट कर दी, लेकिन रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग अगर आपकी इमेज वैसी नहीं बनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है यार। आप ना उसमें और डिटेल ऐड करते रहो, और डिटेल ऐड करो, और डिटेल ऐड करो, और डिटेल ऐड करो, जब तक रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग आपका काम नहीं बन जाता। जी हाँ गाइज, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं भी जब ड्राइंग करता था, जैसे कि अभी मैं नन की जो ड्राइंग है, जो स्केच है, मैं कर रहा हूँ गाइज, ये एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ था। जो इसकी आईज जो है और जो ये लिप्स के ऊपर जो इसने फिंगर रखी हुई है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा अभी, मतलब आप देख लोगे तो ये मेरे से नहीं बन पा रहा था। तो गाइज मैं मतलब कंटिन्यू था कि भाई बनाना तो है ही, तो टाइम लगता है तो चलो यार बनाते हैं। तो मैं बनाता गया, और भाई बनाते बनाते ही आपका काम इम्प्रूव हो जाएगा, आपका काम प्रोफेशनल लेवल का हो जाएगा, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जी हाँ गाइज, ये बहुत ज़्यादा कॉमन बात है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है गाइज, कंटिन्यू रहना है आपको। आप कोई भी काम करो, जैसा भी काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क इस चीज का पड़ता है कि आप कब तक उसको लेके सीरियस हो, कब तक उसको लेके आप कंटिन्यू अपने काम को रख पाते हो। गाइस यही है सिंपल सा फंडा, इसको अडॉप्ट कर लो भाई साहब, जरूर आप अपनी फील्ड में तो आप बेस्ट कर दोगे, अपनी फील्ड में तो आप आग लगा ही दोगे। तो बस गाइस यही है, तो यार यही थी टिप्स बेसिकली। और किसी भी एक्सपेंसिव मटेरियल का यूज़ ना ही करो तो बढ़िया है भाई। मेरे से अभी एक कल मेरे पास एक मेल आई थी, उसमें एक लड़के ने पूछा था कि भाई मटेरियल के बारे में बता दो, ग्रेफाइट पेंसिलों के बारे में बता दो, और ग्राफ गियर जो कि मैकेनिकल पेंसिल है उसके बारे में थोड़ा बता दो। तो भाई ग्राफ गियर पेंसिल भाई वो बहुत बढ़िया रहती है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट उसको यूज़ करते हैं, लेकिन भाई अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अभी आपको ज़रूरत होनी चाहिए अपने काम को इम्प्रूव करने की, एक अच्छा लुक देने की, एक अच्छे से एक्सप्रेस करने की। अगर आप एक मीनिंगफुल आर्टवर्क बनाते हैं तो आप उसी पर ही ध्यान दो, मतलब जो भी आपका काम है भाई, अभी इतना ऊपर मत जाओ, ठीक है? तो हाँ, आने वाली वीडियोज़ में मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, वो मेरे पास है और मैं उनका करता हूँ यूज़, कम कम करता हूँ। तो गाइज बस यही है, तो चलो यार अब हम ड्रॉ करते हैं अपनी पूरी इमेज को। Hey guys, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो भाई, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और भाई अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर लो यार, बहुत टाइम लगता है बनाने में। और गाइस अगर आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो भाई लोग आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आप वहां पर ऐसी बेहतरीन बेहतरीन इमेजेस देखते रहोगे। तो भाई ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए भाई वहां लाल कलर का बटन है यार वहां नीचे, और घंटी का आइकन है यार वो भी दबा दो। और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।